गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 से हिंदी शब्द भंडार कक्षा 8 के लिए। शब्द किसे कहते हैं? एक या अनेक वर्णों से बनी स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, अर्थात जिन वर्णों को जोड़कर सही अर्थ निकले उन्हें शब्द कहा जाता है। एक वर्ण और अनेक वर्ण, एक वर्णों से कभी भी शब्द नहीं बनाए जा सकते, इसीलिए जब भी हम शब्द बनाते हैं तो हमें दो या दो से अधिक वर्णों का प्रयोग करना पड़ता है। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? जिन वर्णों को जोड़ने से सही अर्थ निकले, ताकि हम लोग शब्दों को सही रूप से प्रयोग कर सके, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द, वर्णों के को जोड़ने पर भी उसका कोई अर्थ ना निकले, उसे निरर्थक शब्द कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, अर्थ की दृष्टि से वर्गीकरण। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के चार भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। एकार्थी शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, दूसरा मीनिंग नहीं निकलता, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी, हिंदी का प्रयोग हम लोग सिर्फ भाषा के लिए ही करते हैं, इसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं है। नंबर 2, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वह है जिसका एक से अधिक अर्थ हो, मतलब सेम वर्ड रहेगा पर उसका मीनिंग अलग अलग रूपों में चेंज होता रहेगा। जिस प्रकार कर को हम लोग हाथ के रूप में भी जानते हैं, टैक्स उसके रूप में भी जाना जाता है, और हाथी के सूर को भी कर कहा जाता है। अब आएंगे हम लोग नंबर 3, पर्यायवाची। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, जिन शब्दों का अर्थ समान हो और जो एक ही वस्तु के व्यंजक हो, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे रात, निशा, रजनी, विभावरी या रात्रि। हम लोग जानते हैं, जब हम लोग पर्यायवाची करते हैं, पर्यायवाची शब्द लिखते या पढ़ते हैं, तब हम लोग देखते हैं जैसे रात, रात का क्या है, रात का मीनिंग सेम है बट उसका नाम या फिर जो शब्द है वो चेंज हो रहे हैं, तो इस प्रकार के शब्द को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। अब हम लोग आएंगे विलोम। विलोम बहुत ही आसान है, सबको पता है विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक, मतलब कोई भी शब्द का उल्टे शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है। अब हम लोग आएंगे प्रयोग की दृष्टि से। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, सामान्य, तकनीकी, अर्ध तकनीकी। सामान्य यानी नॉर्मल वर्ड्स, जिस तरह ईश्वर, बहन, बस इत्यादि। तकनीकी शब्द से शब्द, तकनीकी शब्द क्या है? जो शब्द ज्ञान और व्यवसाय आदि क्षेत्रों में परिभाषिक शब्दावली के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात मेनली ये शब्द इंग्लिश में टेक्निकली शब्द, टेक्निकली वर्ड्स के नाम से प्रयोग किया जाता है। ये सब मेनली बिजनेस में काम आता है, जिस जैसे चिकित्सा, कोमा, सीमा शुल्क, इस तरह के शब्द जो है वो तकनीकी शब्द कहा जाता है। अर्ध तकनीकी, अर्ध तकनीकी मतलब नाम से ही पता चलेगा, अर्ध मीन्स आधा और तकनीकी मतलब टेक्निकल, जो वर्ड्स आधा टेक्निकल हो। जिस तक एग्जांपल में ले लो परमाणु बम, तो परमाणु जो है वो तकनीकी है और बम जो है वो सामान्य है, तो अर्ध तकनीकी में जो शब्द रहता है वो आधा ही तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में आएगा परमाणु बम, ऑपरेशन आदि। अब हम लोग जानेंगे इतिहास या स्रोत की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत का सामान ही वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है। जिस प्रकार माता वर्ड जो है हम लोग हिंदी में भी यूज़ करते हैं और सेम वही चीज़ संस्कृत में भी होता है, तो तत्सम शब्द संस्कृत से रिलेटेड होता है। अब आते हैं तद्भव पे। तद्भव शब्द वो शब्द हैं जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट हो गए हैं, जैसे हस्त बन गया है हाथ, क्षेत्र बन गया है खेत, और दुग्ध हो गया है दूध। ये सब शब्द तद्भव शब्द हैं। चैप्टर 3 में पेज नंबर 39 कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं, इसको तुम लोग अच्छे से पढ़ लोगे, ज़रूरत पड़े तो कॉपी में लिखना भी, ताकि एग्ज़ाम में तुम लोग इसको पढ़ सको। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट
देशज और विदेशज। देशज शब्द जिस देशज मतलब ही है देशी, कोई भी देशी शब्द को हम लोग देशज शब्द बोलते हैं जिसका संस्कृत से कोई भी संबंध नहीं होता। एग्जाम्पल लो छोड़ा, गाड़ी, टोली, खुरपा, ये सब जो वर्ड है ये सब क्या है देशज यानी देशी शब्द है। अब विदेशी, विदेशी शब्द यानी जो शब्द से ही लगता है कि ये हमारा देशी नहीं है, जिस प्रकार मास्टर, स्कूल, रेल, ये सब जो है, डॉक्टर, ये सब जो शब्द है कुछ, ये सब विदेशी शब्द हैं। अंग्रेजी, अब कुछ शब्द जो है जैसे हमने पहले बताया विदेशी, विदेशी यानी मेनली अंग्रेजी शब्द से आते हैं, पुर्तगाली, अरबी, फ्रेंच, फारसी, तुर्की, ग्रीस, चीनी। विदेशी शब्द में हमें भारत का शब्द यानी देशी शब्द को छोड़ के बाहर का जो भी वर्ड अगर आ जाता है तो उसको हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं। रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। रूढ़ क्या हो जाता है, वे शब्द जो किन्हीं अन्य शब्दों के योग से बने या जिनके खंड का कोई अर्थ ना हो, मतलब यो रूढ़ शब्द जिनको हम लोग तोड़ने पर भी कोई उसका दूसरा अर्थ नहीं निकलता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जिस तरह घोड़ा, अगर घोड़ा को हम लोग तोड़ते हैं तो घो और रा ये टूटने पर इस प्रकार से होगा, लेकिन क्या घो और रा का अलग अलग कोई मीनिंग निकलता है, नहीं। तो इसी प्रकार से हम लोग जो शब्द भी तोड़ के कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। अब आते हैं यौगिक शब्द, वे शब्द जो दूसरे शब्दों के योग से बने हो, अर्थात बहुत सारे शब्दों वर्णों को जोड़कर जो अलग अलग मीनिंग, इसका मीनिंग जो होता है वो अलग अलग होता है। मीन्स जिस प्रकार हम लोग सपोज एक एग्जांपल लेते हैं पाठशाला, पाठ और शाला, पाठ यानी पढ़ाई, शाला यानी घर। तो क्या हो जाता है, पाठशाला को लेने से जब ये हम लोग दोनों को अलग अलग करते हैं तो इसका अलग अलग अर्थ निकलता है। जिस प्रकार हम लोग रूट शब्द में घोड़ा को तोड़कर घो और रा बनाए थे लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकला, लेकिन यहाँ पे अगर तोड़ते हैं तो ये दो अलग अलग ये खुद में ही शब्द हैं, इन लोगों को तोड़कर एक साथ जब जोड़ा जाता है, जिस प्रकार पाठ और शाला को हमने जोड़ के पाठशाला बना दिया, उसी को यौगिक शब्द कहते हैं। अब आते हैं हम लोग यौगरूढ़ शब्द पे, वे शब्द हैं यौगिक होने पर भी सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष वस्तु के लिए निश्चित हो, जैसे पंकज, अंगरखा, चारपाई, चौमासा आदि। यहाँ पंकज शब्द का अर्थ है, पंकज शब्द का अर्थ पंख प्लस ज अर्थात कीचड़ में पैदा हुआ। इसी प्रकार चारपाई, चार पैरों वाला, तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, इन्हें यौगरूढ़ शब्द कहा जाता है। व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से शब्द के 8 भेद होते हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या इसके व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से इसके 8 भेद हैं और क्या क्या हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक और घोतक। अब हम लोग जानेंगे कि अब ये सब हैं क्या। सबको पता है कि ये सब हम लोग बचपन से यही सब पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जब चैप्टर में दिया गया तो मैं एक बार तुम लोग को एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, नाम या भाव को संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, पुस्तक, दिल्ली इत्यादि। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे संज्ञा के हटाकर हम लोग सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं। जिस प्रकार हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी का नाम को हटाकर हमने वहाँ पे तू, तुम्हारा का प्रयोग कर दिया, तो ये सर्वनाम है। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जैसे चतुर, काला, गहरा, ऊंचा, छोटा आदि। क्रिया, जिस शब्द से किसी भी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस प्रकार कार्य, क्या कार्य धीरे धीरे हो रहा है, क्या कार्य जल्दी हो रहा है, तो उसका विशेषता, उस काम का विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध बोधक, इंग्लिश में हम लोग जानते हैं इसको प्रीपोजिशन। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्द को संबंध
बोधक कहते हैं, जैसे भीतर या पीछे। योजक, योजक यानी कंजंक्शन। जब हम लोग दो वाक्यों को जोड़ते हैं और जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे योजक चिन्ह या फिर कंजंक्शन कहा जाता है। अब आता है घोतक। हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि मन के भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को घोतक कहते हैं। इनका दूसरा नाम विस्मयादि बोधक भी है, जैसे अरे, आह, छी, हाय। हम लोग जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, आह, उसका देहांत हो गया, तो ये जो आह वर्ड है यह घोतक या फिर इंटरजेक्शन कहलाता है। उपर्युक्त आठ प्रकार के शब्दों में को दो भागों में बांट दिया गया, मतलब जो हमने ऊपर में पढ़ा आठ प्रकार के शब्द, इसको दो भागों में बांट दिया गया है। क्या है? एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द क्या है? जिसमें विकार हो। वे शब्द हैं जिसमें विकार या परिवर्तन हो, मतलब जिस शब्दों को हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे वचन बदलो, लिंग बदलो, तुम लोगों ने पढ़ा है, तो इसी को विकारी शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो, लड़का को लड़के में बदल दिया गया है या लड़कों के लिए, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अब हमारे यूज़ के मुताबिक हम लोग इसको चेंज कर दे रहे हैं। संज्ञा, अब सर्वनाम देखो, यू का योर्स हो जाता है, उसी तरह से वह का वे, उनका उन्होंने, इसमें चेंज हो जाता है। विशेषण, काला का काले। तो हम लोग अपने जिस प्रकार से हम लोग को वाक्य बनाना रहता है, हम लोग वाक्य को विकारी शब्दों द्वारा बनाने में सफल होते हैं। अविकारी शब्द, वे शब्द जो सदा एक जैसे ही रहते हैं, अर्थात जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सब अविकारी शब्द हैं। जैसे अब देखो, अविकारी शब्द क्या है, जैसे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, ऊपर, आगे, पीछे, किंतु, परंतु, आज ही, अरे, ये सब क्या है, अविकारी शब्द है। इसको हम लोग पहली बात परिवर्तन, इन लोगों का परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन वाक्यों के हिसाब से हम इन्हें प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पूरा चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है और तुम लोग एज अ होमवर्क 1-2 यानी पेज नंबर 42 और 43 में क्वेश्चन आंसर्स है। आशा करते हैं कि तुम लोगों ने चैप्टर को अच्छी तरह से समझा होगा तो कर पाओगे, नहीं कर पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या फिर दिए हुए टाइम पे हमसे प्रश्न करके उसका उत्तर जान लो। थैंक यू।